चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। भारत से विकसित भारत विषय पर आयोजित संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर NMP वर्मा ने कहा कि देश के आर्थिक उन्नति से ही विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा होगा, इसलिए अधिक से अधिक आर्थिक स्रोतों का निर्माण करना होगा। उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के प्रोफेसर SP सिंह ने कहा कि कृषि आधारित लघु उद्योगों के निर्माण से ही समृद्ध भारत का रास्ता निकलेगा, इसलिए युवा पीढ़ी को तकनीकी युक्त कृषि उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और दुग्ध उत्पादन की दिशा में काम करना होगा, तभी घर तक आर्थिक खुशहाली पहुंच पाएगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की इस एसोसिएशन की ये जो है हमारा एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ सोशल इको डेवलपमेंट स्टडीज़ के 6वें अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन बड़े गर्व के साथ गोपेश्वर में मैं कर रहा हूँ। और इसका सबसे मूल उद्देश्य क्या है कि फार्म भारत टू विकसित भारत अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, जिसका मेन हमारा थीम है कि जैसे कि वर्तमान समय में यह देखने को मिला है कि जैसा कि धर्म के प्रति आस्थावान हो करके मूलभूत रोजगार और आवश्यकताओं की अपॉर्चुनिटीज, पूर्व में जैसे हमारा बद्री केदार का स्थापना करके आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड के आर्थिक जगत को कितना बूस्टर के रूप में आगे कार्य कर रहा है। गवर्नमेंट PG कॉलेज गोपेश्वर इज ऑर्गेनाइजिंग इट टुडे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ऑन द टॉपिक फ्रॉम भारत टू विकसित भारत। इन दिस कॉन्फ्रेंस द इकोनॉमिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अराइव्ड ओवर हियर एंड इन टू डेज डिस्कशन दे विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, पर्टिकुलरली द चार धाम यात्रा एंड द कनेक्टिंग पिलग्रिमेज एंड ऑल द एग्रीकल्चर फील्ड्स, even the unemployment, how can we increase the employment opportunity for the youth and women empowerment and social development. These are the key issues on which the very detailed discussion will be made with the economists, and the recommendations of the seminars will be forwarded to the government, and we hope that they will make the policies on these issues.